नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एन जी एस में। अच्छा, 6 की गणित लगा रहे हैं दोस्तों हम एनसीईआरटी किताब की। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, नीचे आकृति देखिए दोस्तों, ए बी सी, ए बी सी के बाद डी ई एफ जी, एफ जी यानी इसके बाद हमारा एच आई जे कहाँ है, एच आई जे के एल, और फिर इनके बाद है हमारा एम और एन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें इसके पीछे बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से ये दिए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से दिए हुए हैं, है ना, इस तरीके से। ये किस प्रकार की आकृति, बिंदु बिंदु दोस्तों किस प्रकार की आकृति बना रही है, ये किस प्रकार की आकृति बना रही है बिंदु बिंदु दोस्तों, ये है वर्ग की आकृति। वर्ग वर्ग यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। हम दोस्तों ये जो बिंदु बिंदु आकृति बना रही है इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं इसकी 1 सेंटीमीटर की है ना। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा भुजा गुणे भुजा, यानी क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों, ये बिंदु बिंदु से पीछे जो आकृतियां बन रही है ना उसका क्षेत्रफल। अब हमें जो ये ए बी सी डी ई एफ इसमें आकृतियां दे रखी है, हम इसके अंदर देख लेते हैं कि ये कितने ये वाले बन रहे हैं, छोटे छोटे वही बिंदु वाले वर्ग कितने बन रहे हैं जिसका हमने क्षेत्रफल देखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना दोस्तों, ये कितने बन रहे हैं। अगर एक पूरा पूरा बन रहा है तो उसका एक हो गया, अगर आधा आधा अगर बन रहा है मान लो दोस्तों तो हम उसका आधा मान लेंगे, और हम देखेंगे कि अगर दो आधे बन रहे हैं तो दोनों आधे आधे जोड़ करके हम दो आधे जोड़ करके भी एक बनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारा ए में, ये देखिए दोस्तों पूरा पूरा बन रहा है, पूरा पूरा एक, ये पूरा पूरा एक वर्ग बन रहा है, एक ये वर्ग बन रहा है, एक 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 सारा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। तो दोस्तों इसका हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया 9। इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें अगर आप देखें दोस्तों, इस पूरे ये जो हमारा पूरा चित्र बना हुआ है, इस पूरे चित्र को थोड़ा सा हम अगर आगे खिसका दें, थोड़ा सा दोस्तों अगर हम आगे खिसका दें तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना, हमारा कुछ थोड़ा सा आगे खिसका दें तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना दोस्तों, थोड़ा सा हमें बस आगे खिसकाना है इसको तो हमारा हमें बिल्कुल पिक्चर क्लियर सी दिखने लगेगी। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हमने आगे खिसकाया है, यानी ये वाला हिस्सा इतना हमने आगे खिसका दिया, इतना हमने आगे खिसका दिया। ठीक है, तो हमें देखिए ये एक पूरा स्क्वायर मिल रहा है, एक ये एक ये एक ये और एक ये और एक ये नीचे, 1 2 3 4, तो इसका कितना हो गया दोस्तों, 4, 4 हो गया इसका दोस्तों, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एक को माना है, एक छोटे वाले को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माना है, इसका हो गया 4। इस वाले को देखिए दोस्तों, इसको भी आप अगर थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे दोस्तों तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों बराबर है, तो यानी ये पूरा 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 एक आप बन जाएगा, ये पूरा पूरा एक बन जाएगा, इस वाले को और इस वाले को जोड़ दें अगर तो। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे खिसका लें, या फिर आप कहें कि ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पूरा मिला के एक हो जाएगा, है ना। और हमारा ऐसे ही
ये वाला दोस्तों थोड़ा सा आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा, आधा ये वाला और आधा ये वाला, आधा आधा ये हो गया दोस्तों, और ये वाला आगे जाएगा तो ये भी पूरा हो जाएगा, तो हो जाएंगे हमारे करीब करीब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में आप भी दोस्तों देखें कि कितने ये बिंदु बिंदु वाले स्क्वायर कितने बन रहे हैं हमारे वर्ग, फिर बड़े वाले में। इसमें देखिए दोस्तों, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, चार पांच, पांच मान लेते हैं, मोटा 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 मान लेते हैं दोस्तों। एक ये, इसको थोड़ा सा अगर हम ऊपर उठा देंगे तो हमारा दोस्तों बन जाएगा, ये मान लीजिए, ये वाला जोड़ करके एक बन जाएगा, ठीक है, ये प्लस ये वाला, ये बन गया एक, और ये और ये मिलके एक बन जाएंगे, है ना, ये पूरा दोस्तों, ये सारा मिला के मैं एक बना रहा हूँ, तो बन जाएगा हमारा टोटल 3। इसमें एक एक दो, और ये मिल हो जाएंगे दोस्तों, मिलके दोस्तों ये वाले और ये वाले मिलके एक, और ये वाले मिलके एक, ठीक है, एक दो तीन चार। इस वाले में दोस्तों देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये ऊपर वाला, और ये मिला के 7 8, 8 हो गया दोस्तों इसका, एक दो तीन चार, 4 3 7 2 8 1 9 हो गया इसका, इसका कितना, एक दो, और ये मिला के एक, और ये मिला के एक, 4, ठीक है दोस्तों। ये एक, ये वाला कोना इधर जोड़ दिया मान लीजिए, ये मिला के दो, ये वाला मिला के 3, और ये वाला मिला के 4, और ये वाला मिला के 5, करीब 5 है दोस्तों, या 5 या 6 है इसमें, मान लीजिए 5.5, ठीक है, इसमें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, और ये 10, इसमें एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात है करीब दोस्तों, ठीक है, इसमें एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये और ये मिला के 8, ये और ये मिला के 9, ये और ये मिला के 10, ये और ये मिला के 11, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, करीब 15 है दोस्तों, ठीक है। आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखें कि थोड़ा मेरा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, आप भी इसको करके देखें। धन्यवाद।